गर्मी के चलते इंदौर में जल संकट से लगातार लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। 4-5 किलोमीटर दूर से लोग घंटों लाइन में लगकर पीने की पानी के जुगाड़ कर रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर सागर रोड स्थित दर्जनों कॉलोनियों के लोग क्षेत्रीय पार्षद पति के साथ निगम के जोनल कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल रहवासियों का कहना है कि वो पानी की समस्या को लेकर पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन निगम के अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। निगम के अधिकारी हर बार मौखिक आश्वासन देते हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं करते हैं। रहवासियों ने बताया कि यहाँ पानी की टंकी को बने साल हो गए हैं, लेकिन निगम के अधिकारियों की सुस्ती के चलते पानी की टंकी अभी तक चालू नहीं हुई है। आपको बता दें कि सावेर रोड स्थित दर्जनों कॉलोनियों में 2 लाख से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ बोरिंगों से पीने लायक पानी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते रहवासी 4 किलोमीटर दूर घंटों लाइन में लगकर पीने के पानी के जुगाड़ करते हैं। गौरतलब है कि यहाँ के रहवासियों द्वारा पिछले 3 सालों से पीने के पानी के लिए संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन निगम अधिकारी पानी की टंकी बनने के बाद भी उसे चालू नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ रहने वाले रहवासियों का गुस्सा फूटा और वो जनप्रतिनिधि के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। गौरतलब है कि निगम अधिकारियों की मनमानी के चलते सत्ता पक्ष के पार्षदों की भी नहीं चल रही है और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि खुद धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। अधिकारियों के खिलाफ बैठे हैं कि अधिकारियों को बार बार हमने पिछली बार भी हम लोगों ने 2-3 बार इसका धरना प्रदर्शन करा, सिर्फ हमको सिर्फ आश्वासन ही मिला। मेरे क्षेत्र के अंदर ऐसी समस्या है कि एक तो मेरे पूरे क्षेत्र में नर्मदा लाइन कहीं है ही नहीं, मुझे 12 महीना टैंकरों से पानी की पूर्ति करना पड़ती है। एक टैंकी जो हाइडेन बना हुआ है वो हफ्ते में सिर्फ एक बार भराता है, वो बाकी हमको कहना है 2-3 किलोमीटर दूर से टैंकरों से पानी ला के मुझे जनता को पानी पिलाना पड़ता है। तो आश्वासन ही आज भी आश्वासन ही चलता रहता है, जब 3 बार हो गया सिर्फ आश्वासन पर काम चल रहा है। पूरा निगम के अफसर सब पूरे इससे अच्छी चल रही है, सिर्फ उनके कहने में एक ही काम रह गया कि ये जो चीज़ हुई है उसको ख़त्म करो, बाद में देखेंगे। महापौर जी कहने मिलने का समय ही नहीं रहता है, वो 3-4 बार जाते हैं कोई मिलती नहीं, ना फ़ोन उठाना ना फ़ोन ना बात करना, कि मैसेज भी छोड़ो तो कोई जवाब नहीं मिलता उसको। उनके सामने भी हमने 2-3 बार में लिखित में दे दिया है चीज़ को, बस यही मिलता है कि कल को 1-2 रोज में काम चालू हो जाएगा, 1-2 रोज में काम चालू हो जाएगा, बस आज ये होगा 3-4 महीने होगा। इस परिस्थिति में उनसे सबसे मिल चुके हैं, सबसे सिर्फ आश्वासन ही मिला है उनको, आज तक कोई ना जमीन पर कोई काम नहीं करा किसी ने। यहाँ कोई विवाद के उसमें उस पक्ष में यहाँ पर नहीं बैठे हैं कि विवाद के लिए कोई बैठे हैं, यहाँ जल संकट के जो अभी पूरे इंदौर शहर के अंदर हर वार्ड में जल की समस्या को लेके हम यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और यहाँ क्षेत्रीय पार्षद सुनीता दिलीप मिश्रा जी हैं उनके पक्ष में आके हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि उनके वार्ड में बहुत ज़्यादा समस्या, जो आपको सामने टंकी दिख रही है 10 सालों से बनी हुई है, आज तक ये टंकी चाली नहीं है, यहाँ पर 8-10 नल लगा दिए गए, उससे लोग आप देखो भीड़ लगाकर पानी भरे। अगर ये टंकी चालू हो जाए या हर जगह पाइपलाइन बिछा दी जाए तो उससे घरों घर पानी मिलेगा और जल संकट भी कम होगा। किसी विवाद में नहीं बैठे हम यहाँ पर, हमारी समस्या को लेके बैठे, और हम सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण करा जाए। कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं, जहाँ चलना चाहिए वहाँ चलाते भी हैं और कुछ सुनते भी नहीं हैं, सब अपनी अपनी चला रहे हैं, हाँ बोल देते हैं ना बोल देते, कुछ काम होते भी हैं कुछ नहीं भी होते।